क्लेश दग्धविज तो बहुत देर में होते हैं, निरुद्ध अवस्था के बाद ही वो क्लेश दग्धविज होते हैं, उसके बिना नहीं होते। तो निरुद्ध अवस्था तो पहले बन जाएगी, पहले बनेगी, पहले हो जाएगा, पहले हो जाएगा, बाद में क्लेश नष्ट हो। ईश्वर साक्षात्कार से जो शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसी हथियार से वो पांच क्लेश नष्ट होंगे। अब वो इसी अवस्था में होगी ना, पहले पहले अनुभूति होगी, उसके बाद ही वो नष्ट होंगे। तो कैसे नष्ट होंगे? ईश्वर से जो ज्ञान मिलेगा वो हथियार है उनके नाश का। हाँ, पांच क्लेशों के नाश का हथियार है ईश्वर से प्राप्त होने वाला ज्ञान, आनंद, बल, उत्साह, और वो मिलेगा निरुद्ध अवस्था में। इसलिए पहले निरुद्ध अवस्था बनेगी, असंप्रज्ञात समाधि, उससे ईश्वर की अनुभूति होगी, उसके बाद ये सारे क्लेश नष्ट होंगे। जी जी, हाँ जी, बोलिए।